हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे हम, ठीक है? कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, और वो क्या एक्शन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? और उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी मैं दिल से आपको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, दिल से आपको थैंक यू। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने वीडियो पॉप अप हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है? चलिए, ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर कोई नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में। सभी स्ट्रगल्स को, सभी आर्ग्यूमेंट्स को और सभी टेंशन्स को और सभी बुरी यादों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पार्टनर कैंसर। आगे नई शुरुआत, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सन कार्ड। कैंसर्स, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए उनकी जो यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में रखी है वो, किसी ना किसी मैं कहूँगी तकलीफ में है इस वक्त में, समझ रहे हैं आप? वो लाइफ में, अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, ये लिब्रा को भी दिखाता है, लिब्रा का कार्ड होता है जस्टिस। तो हो सकता है आपके साथ उनकी रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस्ड नहीं हो, या मैं कहूँगी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो, या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं आपके। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे लीगल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, तो हो सकता है आप लोगों के कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हों कुछ लोगों के यहाँ पे, सबके तो नहीं चल रहे होंगे डेफिनेटली। तो उन चीज़ों में आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो है जो आपकी लाइफ में, आप लोगों की रिलेशनशिप में पुराना कुछ हुआ है, और अब आपके पार्टनर जो है उन सब चीज़ों को ख़त्म करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं,
लेकिन अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड वे में। अभी वो किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगी बंधा हुआ फील कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर है किसी चीज़ का। आगे वो बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। चाहे तो ये कोई लीगल मैटर हो सकता है, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे जो इनबॉर्नेस लग रही है, लीगल मैटर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे हो सकता है। किसी थर्ड पार्टी का यहाँ पे आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होना जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं कैंसर्स इस समय बहुत स्ट्रेस में हैं और वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन वो बहुत इस समय मायूस हैं। वो इस समय बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत बुझे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो है एक नई शुरुआत, उनके अंदर जो फीलिंग है एक नई शुरुआत की, चाहे तो वो अपनी नई शुरुआत, कुछ लोगों के कैंसर्स के जो पार्टनर हैं अपने करियर में नई शुरुआत करना चाहते हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या मैं ये कहूँगी कि अपने पे फ़िलहाल फोकस करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ वो चेंज चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं किसी भी तरीके से, और इस समय वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं या जो भी कुछ सोच रहे हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वे में, समझ रहे हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग वे में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और हमारे पास किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है। तो इमोशंस पर उन्होंने पूरी कंट्रोल, अपने अपनी ग्रिप बना रखी है। इमोशंस में आकर के वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं या वो सोच नहीं रहे हैं, वो बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैलेंस वे में ही वो चीज़ों को सोच रहे हैं और बहुत दूर की सोच रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो भी है बेसिकली आपके इश्यूज जो भी हों, लेकिन आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ के पार्टनर यहाँ पे अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, और कुछ जो है ये कुछ के लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू ऑफर हो सकता है, ठीक है, किसी को वो नया ऑफर देना चाहते हों। और यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज लग रहे हैं कि जो भी ये सिचुएशंस है ना, कुछ कार्मिक हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं जिनसे आप लोग अटैच्ड हैं। ये कार्मिक जो है, ज़रूरी नहीं ये आप लोगों का रिश्ता कार्मिक हो, वो जो थर्ड पार्टी इशू है वो भी कार्मिक हो सकती है। थर्ड पार्टी, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या आपके पार्टनर के परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या पर्टिकुलरली कोई मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से ये सिचुएशंस जो हैं वो स्टक हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर इस समय आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मैं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, जैसे कि उनका बहुत प्रभाव बहुत है आप लोगों की रिलेशनशिप पे, थर्ड पार्टी का। अब देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं कैंसर राशि के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे कैंसर राशि के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, ये कार्ड्स में नहीं ले रही, जो नीचे गिरे देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, यस। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ये बोलूँगी, एक सेकेंड, मैं एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। ओके ओके यस, देखिए कुछ के लिए यहाँ पे है, कुछ कैंसर्स के जो पार्टनर हैं जो कार्मिक में हैं, ठीक है, उनके पार्टनर जो हैं अब एक, मैं ये बोलूँगी अपनी डेस्टिनी की तरफ, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था, दैट्स वाई वो इससे कट आउट कर लेंगे और बाहर इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये एक डेस्टिनी थी, समझ रहे हैं आप, वो इसे एक डेस्टिनी डेस्टिनी नहीं मानते थे। उन्हें पता है कि ये चक्र है, इससे आगे बढ़ना है, मेरी डेस्टिनी ये नहीं है,
समझ रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी सिचुएशंस को अब ठीक करना है। ये देख रहे हैं, ये चक्र जो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डेस्टिनी कार्ड होता है। अब वो अपने इस समय को बदलना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें जो भी फैसला लेना पड़े वो फैसला ये लेंगे। अब वो फैसला जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, जो भी वो फैसला लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे और बिल्कुल इमोशंस में आकर के नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्लियर वो फैसला लेने वाले हैं, बिना इमोशंस के वो फैसला लेने वाले हैं, इमोशंस में नहीं बहेंगे। और जैसी भी सिचुएशन इस समय उनकी लाइफ में चल रही है आपके साथ, अब वो उस सिचुएशन को पलटना चाहते हैं। देखिए, दो तरह से सिचुएशंस पलटी जाती हैं, एक तो एक उस रिलेशनशिप में से कट करके, दूसरा उस रिलेशनशिप को बेहतर बना करके, ठीक है। तो अब ये आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, या आपकी उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है, या आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कैंसर कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैंसर्स। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।